Welcome back students for your science class. In the previous video I was talking about chapter number 5. We were doing the revision of chapter number 5, that is parts of a plant. In the previous video मैंने आपको बताया था कि plants आपको हर जगह दिखते हैं, अलग अलग तरह के plants दिखते हैं. प्लांट से एयर प्यूरीफाई होता है, प्लांट से इन्वायरमेंट क्लीन एंड ग्रीन रहता है और प्लांट्स हमारे लिए अलग अलग तरह से यूज़फुल है. तो प्लांट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला रूट सिस्टम एंड द सेकेंड इज़ द शूट सिस्टम. रूट सिस्टम जो ज़मीन के अंदर होता है एंड शूट सिस्टम जो आपको दिखता है ज़मीन के ऊपर. रूट सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया है, पहला है फाइब्रस रूट एंड दूसरा इज टैप रूट. फाइब्रस रूट अलग अलग डायरेक्शन में स्टेम्स ग्रो होते हैं, पतले स्टेम्स अलग अलग डायरेक्शन में ग्रो होते हैं, दैट इज़ फाइब्रस रूट. एंड टैप रूट में एक ही रूट से अलग अलग रूट्स ग्रो होते हैं, दैट इज़ टैप रूट. फाइब्रस रूट आपका अनियन, वीट, मेज ये सारी चीज़ों में पाया जाता है. एंड टैप रूट जैसे कि मैंगो में, पीपल में, नीम में, बीन, मस्टर्ड ये सारी ट्रीज़ में पाया जाता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ द रूट. कमिंग टू फंक्शन ऑफ द रूट, रूट्स का क्या फंक्शन है? रूट्स जो है प्लांट को पकड़ के रखता है सॉइल में. सेकेंड, रूट्स जो है पानियों को ऑब्जॉर्व करता है, मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करता है सॉइल से. फिर इन सम प्लांट्स रूट्स में फूड भी स्टोर होते हैं, जैसे कि कैरेट हम खाते हैं, रेडिश, टर्निप एक्सेट्रा. फिर आता है शूट सिस्टम. शूट सिस्टम क्या क्या चीज़ से बना है? ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. सबसे पहले स्टेम की बात करते हैं. तो स्टेम जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड. ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है. बिग एंड टॉल ट्रीज में वुडी स्टेम होता है, दैट इज़ नोन एज ट्रंक. अगर आप देखोगे नीम का पेड़ देखोगे तो उसमें क्या है, मोटे स्टेम होते हैं. मोटे स्टेम को बोला जाता है ट्रंक. सम प्लांट्स हैव वीक एंड ग्रीन स्टेम. कुछ प्लांट्स में वीक और ग्रीन स्टेम्स होते हैं. जैसे आप धनिया खाते हो तो धनिया में आप देखोगे धनिया की जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है और वीक होती है. स्टेम का क्या फंक्शन है? स्टेम जो है प्लांट को सपोर्ट देता है सीधे खड़े रहने के लिए. स्टेम्स में बर्ड्स निकलते हैं, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स. स्टेम जो है वाटर को और मिनरल्स को कैरी करता है, अलग अलग पार्ट्स में भेजता है प्लांट के. रूट्स, रूट्स के थ्रू पानी आता है, स्टेम में जाता है, फिर स्टेम से अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में जैसे लीव्स में, फ्रूट्स में, सब में पानी और मिनरल्स पहुंचते हैं. सम स्टेम्स ऑल्सो स्टोर फूड जैसे कि पोटैटो, शुगर केन, जिंजर एक्सेट्रा. गन्ना आपने देखा है, गन्ना दैट इज़ ऑल्सो अ स्टेम, तो दैट इज़ कंटेनिंग फूड. सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट लीफ.